हरियाणा में कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव को लेकर भारतीय जनता पार्टी का बड़ा फैसला। भारतीय जनता पार्टी ने अपने विधायकों को 10 मार्च के लिए व्हिप जारी किया है। 10 मार्च को सभी विधायकों को हर हाल में सदन में मौजूद रहना होगा। व्हिप जारी होने के बाद अब पार्टी के खिलाफ वोटिंग नहीं कर सकेंगे विधायक। 10 मार्च को विधानसभा में कांग्रेस लाएगी अविश्वास प्रस्ताव। भाजपा की गठबंधन सहयोगी जसपा भी जारी कर सकती है व्हिप। हरियाणा में बीजेपी जेजेपी के गठबंधन वाली सरकार है। हरियाणा में जारी सियासी घमासान के बीच 10 मार्च को विधानसभा में कांग्रेस मनोहर लाल खट्टर सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगी। कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव को देखते हुए भाजपा ने बड़ा फैसला किया है। भाजपा ने अपने विधायकों को 10 मार्च के लिए व्हिप जारी कर दिया है। व्हिप जारी होने के बाद अविश्वास प्रस्ताव के दौरान पार्टी के विधायक पार्टी के खिलाफ वोटिंग नहीं कर सकेंगे। साथ ही सभी विधायकों को हर हाल में सदन में मौजूद रहना होगा। व्हिप के बाद पार्टी लाइन से हटकर कोई विधायक अगर वोटिंग करता है या अनुपस्थिति रहता है तो उसकी सदस्यता निरस्त हो सकती है। भाजपा के सभी विधायकों को व्हिप जारी करने के बारे में जानकारी भेजी गई है। पार्टी के चीफ व्हिप और संसदीय कार्य मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने अपने सभी विधायकों को ये जानकारी भेजी है। इसके साथ ही जल्द ही भाजपा की गठबंधन सहयोगी जसपा भी व्हिप जारी कर सकती है। बता दें कि हरियाणा में बीजेपी जेजेपी के गठबंधन वाली सरकार है। इस बीच संयुक्त किसान मोर्चा ने लोगों से अपील की है कि वे अपने विधायकों से सरकार के खिलाफ वोट करने को कहें। तो बीजेपी ने अपने विधायकों को 10 मार्च के लिए व्हिप जारी कर दिया है और ऐसे में सारे विधायकों को विधानसभा में मौजूद रहना अनिवार्य हो जाएगा और कोई भी विधायक पार्टी के खिलाफ वोटिंग नहीं कर सकेगा और अगर ऐसा करता है तो उसकी सदस्यता निरस्त हो जाएगी। 10 मार्च को विधानसभा में कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लाएगी, जिसको देखते हुए बीजेपी ने यह बड़ा फैसला किया है। भाजपा की गठबंधन से भी जसपा भी जारी कर सकती है व्हिप और ऐसे में हरियाणा में बीजेपी जेजेपी की गठबंधन वाली सरकार है तो दोनों ही पार्टियों की तरफ से व्हिप जारी किया जा सकता है और तमाम विधायक विधानसभा में मौजूद रहेंगे। तो बीजेपी ने अपने विधायकों को 10 मार्च के लिए व्हिप जारी कर दिया है। 10 मार्च को सभी विधायकों को हर हाल में सदन में मौजूद रहना होगा। व्हिप जारी होने के बाद अब पार्टी के खिलाफ वोटिंग नहीं कर सकेंगे विधायक। इतना ही नहीं, 10 मार्च को विधानसभा में कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लाएगी, जिसको देखते हुए ये अहम फैसला लिया गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, ताकि कहीं से भी कोई भी वोट खिलाफ में ना आए और ऐसे में ये भी पता चल जाए कि आखिर कितने विधायक साथ हैं। तो इस तरह से व्हिप जारी कर दिया गया है, इसके बाद सभी विधायकों का सदन में रहना अनिवार्य हो जाता है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट।